4 जून 2023 को यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस कार्रवाई का मकसद था रूस से अपनी जमीन को वापस लेना, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन संघ के द्वारा बनाई गई रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई है। बल्कि अभी तक यूक्रेन के 130,000 से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं, जबकि युद्ध की शुरुआत से अभी तक यूक्रेन के 150,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि इतना ही नहीं, अभी तक नेटो के नए हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और कई जहाज इस युद्ध में खाक हो चुके हैं। रूस की तरफ से की जा रही ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन पूरी तरह से दहल चुका है। जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो वही यूक्रेन के अब तक हथियार खत्म होने की तादाद पर है, जिससे यूक्रेन के द्वारा इस युद्ध में टिकना और भी मुश्किल हो चुका है। नेटो के द्वारा दी जाने वाली मदद अब तक हवासी बनकर रह चुकी है, क्योंकि फिलहाल यूक्रेन इसी उम्मीद पर बैठा है कि अमेरिका उसे बनती मदद देगा। लेकिन अमेरिका में भी विपक्षी पार्टी ने सहायता देने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के सैनिक फिलहाल गोला बारूदी की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं नेटो की तरफ जहां रशिया को कई पाबंदियां लगाई गई हैं, वहीं रूस ने अपने हथियारों का जखीरा और प्रोडक्शन और भी तेज कर दी है, और इससे पश्चिमी देश रूस से बिछड़ चुके हैं, जिसे यूक्रेन के हथियार भंडार दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए, रशिया नेटो पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है।